नमस्कार, मैं हूँ याशिका सिंह TripleDotCom के साथ और मैं आज फिर आ गई हूँ आपको लेकर विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 2 में। आज हम यहाँ पर जानेंगे आसपास के एरिया के बारे में और मैं अभी फिलहाल खड़ी हूँ पापाट स्क्वायर पर, जो क्षेत्र क्रमांक 2 के अंदर आता है। यहाँ के एरिया के बारे में मैं आपको बताऊँगी यहाँ की क्या समस्या है, आम जनता से बात करेंगे इसी बात पर कि उनकी अभी तक की जो समस्या है उनका सॉल्यूशन निकला है, उनके विधायक से वो संतुष्ट हैं या अभी इन फ्यूचर उन्हें और क्या क्या ज़रूरतें हैं उनकी जो अब तक पूरी नहीं हुई है और वो चाहते हैं कि हाँ भविष्य में ये सारी चीज़ें दूर हो जाना चाहिए। आइए चलते हैं। हमें अभी बापट एरिया पर और हम अभी रिक्शा स्टैंड पर खड़े हैं और अभी हम अनिल जी के साथ हैं, हम उनसे जानेंगे उनके एरिया की क्या समस्याएँ हैं और वो क्या चाहते हैं कि भविष्य में ये चीज़ें सॉल्व हों। मुझे बताइए कि आपके एरिया में अभी क्या समस्या है? हमारे एरिया में सबसे मेन समस्या है पानी की। कोई पार्षद के पास जाओ तो कोई अभी तक पानी नहीं मिलता है, 2 साल हो गए, 2 साल से परेशान है। इधर बोलते हैं कि पानी आएगा, उनके जो आते हैं ना कार्यकर्ता पानी देने, वो भी पैसे लेते हैं हमसे जब जाके पानी मिलता है। तो पैसा लेकर वो काम कर? हाँ, सिर्फ मेंदोला जी अच्छे हैं, बाकी जो पार्षद है वो बेकार है। सीधी सिंपल सी बात ये है। तो आपके विधायक जो हैं, अगर आपकी जो समस्या रहती है, अगर आप आपके विधायक के पास जाते हैं तो उस चीज़ का सॉल्यूशन निकलता है कि नहीं, समाधान निकलता है कि नहीं? विधायक बोल देता है पार्षद को, विधायक जी तो आएंगे नहीं यहाँ, बाकी जो है राजेंद्र राठौर साहब, वो आज तक कोई समस्या नहीं, सब कहने का है, नाम का है इनका। अच्छा। अभी आपके एरिया में पानी की दिक्कत ज़्यादा? पानी की दिक्कत सबसे मेन चीज़, पानी की दिक्कत है हमारे एरिया में, बाकी कोई परेशानी नहीं है। आप किस एरिया में रहते हैं? शुक्लिया में रहता हूँ मैडम। अनिल जी ने बताया कि इनके एरिया में अभी पानी की दिक्कत है, जो इनके पार्षद हैं राजेंद्र राठौर जी, वो अभी तक इस चीज़ को दूर नहीं कर पाए। उनके जो व्यक्ति हैं जो उनके साथ काम करते हैं, वो लोग आते हैं पर उनका सॉल्यूशन निकालने के लिए भी ये जनता से पैसे लेते हैं। आगे देखते हैं जनता क्या कहती है, इसी में विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 2 याशिका सिंह के साथ। विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 2 में मैं अभी खड़ी हूँ आदर्श मौलिक नगर में और हम यहाँ के लोगों से बात करेंगे कि इनके क्षेत्र में क्या समस्याएं हैं। मुझे आपका नाम बताइए। संतोष यादव। कमलेश यादव। कमलेश मोरे। कन्नू गर्मा। कमलेश यादव। मुझे आपके क्षेत्र के बारे में जानना है कि आपके क्षेत्र में अभी क्या समस्या सबसे ज़्यादा है? मेन तो यहाँ स्पीड ब्रेकर बन जाए और यहाँ से बड़ी लोडिंग जो गाड़ियाँ हैं वो बंद हो जाए, जो कि इसमें छोटे छोटे बच्चे यहाँ खेलते रहते हैं, वो 2-3 दुर्घटना हो चुकी है, इसलिए हाँ बड़ी गाड़ियाँ बंद होना चाहिए इधर से निकलना। जैसे 10 ट्रक रेती की गाड़ियाँ, गिट्टी की गाड़ियाँ बहुत निकलती है, वो बंद होना चाहिए। से जाते कोई धीरे लेके नहीं जाता, दिक्कत ये बच्चे फिर दुकान इधर राइट साइड आने जाने उनको बहुत दिक्कत होती है। एक दो हो गए, उस दिन भी एक दुर्घटना हुई थी, अब उसी चक्कर में ये जाते कि यहाँ स्पीड ब्रेकर बन जाए, ज़्यादा से ज़्यादा गाड़ियों की व्यवस्था कम हो जाए यहाँ, या आगे स्पीड वो लगना चाहिए कि हो कि ये गाँव प्रति गाड़ी धीमे चलाए, वो लोग जो भी बोलते बोर्ड, ये ऐसा कुछ भी नहीं है, ये होना चाहिए। आप बोलूँ मैं सामने गाड़ी देख लो, आप इससे बड़ी बड़ी गाड़ी निकलती और जब देख सकते हैं कि वहाँ पर गाड़ी खड़ी है जो बहुत बड़ी है और ये एरिया जो है यहाँ पर घर है, सभी स्कूल के बच्चे हैं, छोटे छोटे बच्चे रोड पर खेलते रहते हैं। अभी भी देखिए एक ट्रक निकल रहा है यहाँ से, लोडिंग निकल रहा है इतना बड़ा सामान लेकर जो ओवरलोडेड है। तो आप क्या चाहते हैं कि आपके एरिया में क्या हो जाना चाहिए? बड़ी बड़ी गाड़ियां हैं निकलनी नीचे, तो आराम से छोटा छोटा बच्चा भी है ना खेल सकता है। अब वैसे दौड़ के बच्चे जाते हैं और ये बड़ी बड़ी गाड़ियां ऐसी निकलती हैं और उसमें बच्चे टकरा जाते हैं। सबसे पहले तो उसमें स्पीड ब्रेकर जरूरी है बनना, ये जो खड़ी होती ना ये खड़ी एक्चुअली जगह कम हो जाए, खड़ा हो जाए। अब वहाँ का ये क्या है, उनको दिक्कत आती है, पहले तो पेपर बनते हमारे गलत आते हैं, वो ठोकते हो उखड़े आता हो, मजबूती हो नहीं रही उसकी, मजबूती से नहीं बनता। इनके एरिया की सबसे बड़ी समस्या है स्पीड ब्रेकर को लेकर है, क्योंकि इनके एरिया में बच्चे, छोटे छोटे बच्चे खेलते हैं रोड पर, अगर कोई बच्चा दौड़ के निकल रहा हो और स्पीड से कोई बड़ी गाड़ी आ रही है, ये छोटा एरिया है, इस एरिया में अगर कोई ट्रक आ रहा है या लोडिंग आ रहा है तो एकदम से बच्चों को संभालना मुश्किल होता है। तो ये चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए कि यहाँ पर एक या तो बोर्ड लगवा दिया जाए कि जिससे पता रहे कि हाँ ये एक या तो सोसाइटी है या बस्ती है, ये ऐसा एरिया है कि यहाँ पर रहवास करते हैं, लोग रहते हैं, बच्चे खेलते हैं, तो जिससे ये बड़ी बड़ी गाड़ियों के निकलने से दुर्घटना होना कम हो जाए। देखते हैं आगे सुखलिया में और क्या पता चलता है। हम खड़े हैं विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 2 में, उस एरिया में जहाँ पर पुलिस थाना भी है, इसको पुलिस चौकी भी कहते हैं और ये रविदास नगर भी कहा जाता है। हम यहाँ की जनता से जानेंगे इनके एरिया की क्या समस्याएं हैं। अभी हम खड़े हैं फ्रूट सब्जी का ठेला लगाते हैं एक अंकल, उनसे बात करते हैं। हाँ, हेमंत वर्मा।
सर मुझे ये बताइए आपके क्षेत्र की अभी क्या समस्या है? अभी क्षेत्र की समस्या है कि पानी वगैरह आ नहीं रहा है नलों में, और पार्षद इतना ध्यान देता नहीं है, कभी भी ना देखने नहीं आए कि ये गली में क्या हो रहा है, मोहल्ले में क्या हो रहा है, शिकायत भी करो तो कोई सुनवाई नहीं होती है। आपके पार्षद उस पर काम नहीं करते? नहीं करते हैं यहाँ पे। तो आप इसके बाद विधायक के पास जाते हैं या नहीं? विधायक के पास जाते हैं तो विधायक तो सुन लेते हैं और वो भेजते हैं आदमियों को, तो उसके बाद काम हो जाता है? काम हो जाता है। तो अभी आपके मेन समस्या क्या है? भाई ये पानी की है और क्या, बाकी तो सब बढ़िया चल रहा है। सबसे ज़्यादा पानी की समस्या है इस एरिया में, पानी की दिक्कत है। इनसे जाना ये बोल रहे हैं कि इनके पार्षद के द्वारा काम नहीं किया जाता, विधायक एक बार सुन लेते हैं बात को, पर पार्षद जी नहीं कर पाते हैं। देखते हैं आगे, जनता से और बात करेंगे। मैं खड़ी हूँ रविदास नगर में और अभी मैं आ गई हूँ एक चाय नाश्ते की शॉप पर, और मैं अभी विनय जी के साथ हूँ। हम उनसे जानेंगे उनके एरिया की क्या क्या दिक्कतें हैं, क्या क्या समस्याएं हैं, जो भविष्य में वो चाहते हैं कि इनमें सुधार हो। विनय जी मुझे ये बताइए आपके एरिया की क्या क्या समस्याएं हैं? हमारे एरिया में पानी साफ नहीं आता है, और ये जो गंदगी फैली हुई आपके सामने आप देख सकते हैं, ये गाड़ियाँ खड़ी हुई है थाने की, यहाँ पर लोग बाग चलते फिरते कचरा फेंक जाते हैं। बाकी हमारा एरिया बहुत अच्छा है, साफ़ सुथरा एरिया है, लोग सफाई भी रखते हैं और नगर निगम वाले भी सहयोग करते हैं, लेकिन ये जो गाड़ियां हैं इस कारण से बहुत ज़्यादा गंदगी फैल रही है। और अभी आपके जो क्षेत्र में जैसे पानी की दिक्कत है पहले थी, तो अभी उसमें सुधार है? हाँ, अभी कुछ कुछ सुधार है, लेकिन और भी होना चाहिए, क्योंकि सही से जो नल में जो पानी आ रहा है वो उसमें कीटाणु बहुत आते हैं, लोगों को तकलीफ होती है, बीमारियाँ फैल रही हैं उससे। आप कभी आपकी जो समस्या है वो आपके पार्षद के पास लेकर जाते हैं, आपके विधायक के पास, तो उसमें आपकी सुनवाई होती है कि नहीं? हाँ होती है, लेकिन इतनी ज़्यादा नहीं, हमारे पार्षद हमारा सहयोग करते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं करते हैं, बहुत ज़्यादा करते हैं। हमारे गुर्जर जी हैं, वो पार्षद जी हैं हमारे, वो मतलब बुआ जी बोलते हैं उनको, वो काफ़ी सहयोग करते हैं, उन्होंने अभी बहुत मदद करी है लोगों की यहाँ पर, और हमारे क्षेत्र में सहयोग कर रहे हैं वो। तो अभी आप आपके उनके काम से संतुष्ट हैं? उनके काम से ठीक है, लेकिन हम ये चाहते हैं जो गंदगी फैल रही है ये साफ़ हो। यहाँ पर ये गाड़ियाँ खड़ी हैं, गाड़ियों पे लोग चलते फिरते कचरा फेंक जाते हैं, आप उस तरफ भी कैमरा कर लीजिए ताकि ठीक रहे। विनय जी से जाना, इनके एरिया में सिर्फ गंदगी को लेकर ज़्यादातर इशू आ रहा है, कि वो चाहते हैं कि उनकी दुकानों के आसपास जो गंदगी फैली हुई है वो साफ़ हो जाए, और कुछ नहीं। उनके एरिया में पानी की दिक्कत थी जो अभी धीरे धीरे सुधार हो रहा है, देखते हैं आगे और क्या पता चलता है। हम रविदास नगर में हैं और हम बुजुर्गों से जानेंगे उनके एरिया की क्या समस्या है। ये काफ़ी सालों से यहाँ रह रहे हैं, इन्हें अच्छे से पता होगा कि इनके एरिया में क्या दिक्कतें हैं, क्या समस्याएं हैं, जो अभी तक निवारण नहीं निकला है उन चीज़ों का। मुझे ये बताइए कि आपके एरिया में सबसे ज़्यादा दिक्कत किस चीज़ की है? हमारे दिक्कत सबसे बड़ा मान लिया, अभी जो रमेश मेंदोला जी ने जो बोरिंग करवाया है उसके अंदर वो लाइन डलवा दी है, वो हमारे यहाँ के जो पार्षद भूतपूर्व पार्षद शकुंतला देवी वो थी, वो बोल रहे कि 250 रुपये पर घर से लेंगे जब आपको कनेक्शन देंगे, लाइन डलवा दिए, पाइप डलवा दिए हैं। और उसके उपरांत में जो अपने जो टैक्स कचरे का टैक्स वो भी दे दिया है, आ गया है, वो तो ठीक है, हम भरने को तैयार हैं, कोई दिक्कत नहीं, जब टैक्स भर रहे तो वो भी भरेंगे, लेकिन उसके बाद में कोई कार्रवाई हो नहीं रही, बोले 250 रुपये पर घर से लेंगे। ये सब खुदा हुआ पड़ा है, ये यहाँ से वहाँ तक पूरी कॉलोनी में खुदा हुआ पड़ा है, ना तो यहाँ टाइल्स लग रही बगल में, ना कुछ हो रही है। तो आप क्या चाहते हैं कि क्या होना चाहिए? ये इसका विकास होना चाहिए। बाकी एरिया से ये एरिया पिछड़ा क्यों है? सबसे पिछड़ा हुआ एरिया है, इस पर कोई ध्यान ही नहीं देता है, ना पार्षद देता ध्यान, ना विधायक देता ध्यान, बस एक बार जीत के चला जाता है, उसके बाद में इधर आने का कोई काम ही नहीं है। कांग्रेस ने भी यही करा और बीजेपी भी यही कर रही है, कि ये 50 साल हो गए इस बस्ती को, 50 साल में आज तक कोई विकास नहीं हुआ है, 64 कोई विकास नहीं हुआ, यहाँ ऐसे ही समस्या आ गई। यहाँ है ना, आते हैं वोट लेकर और चले जाते हैं, वोट लेने के बाद वो लोग दोबारा आते हैं? बिल्कुल आते ही नहीं है, एरिया में नहीं आते, बिल्कुल नहीं आते इस एरिया में। कॉलोनी बेच के उसमें आ गई थी, उसको भी अवैध करार दे दिया। ये अवैध कॉलोनी नहीं है? नहीं, ये अवैध कॉलोनी नहीं है, पुरानी, सबसे पुरानी कॉलोनी, जब इंदौर की नंबर वन कॉलोनी है, ये अवैध कॉलोनी है, इसको अवैध बना दिया गया है। कुछ लोगों रोड लाइट वगैरह, ये जो जिस जगह पे कंप्लीट रहती है, ड्रेनेज वगैरह कंप्लीट रहती है, उस जगह को अवैध घोषित नहीं किया जा सकता है, लेकिन इनने अवैध घोषित कर रखा है।
अभी आपके जो एरिया में है, कुछ टाइम पहले शायद यहाँ पर नगर निगम की गाड़ियाँ आई थी या नगर निगम की कोई कार्रवाई हुई थी तो घरों को तोड़ने की कुछ बात हुई थी? नहीं, तो नहीं, अभी नहीं हुई है, या नहीं हुआ? नहीं, अभी कुछ ऐसा नहीं वाली बात नहीं है। ये तो हमने ही आंदोलन करा था वो उसी के लिए, तो ये वो पट्टे पकड़ा दिए, जिनके पट्टे थे वो पट्टे वापस दूसरे दे दिए, और जिनके नहीं है पट्टे उनके पट्टे देने का कोई नाम ही नहीं है। ये अग्रवाल साहब ने, कलेक्टर अग्रवाल साहब ने ये जमीन दी थी हमको गरीबों के लिए, के ये अवैध नहीं है, वैध कॉलोनी इसको है ना, नेता और कुछ लोगों ने इसको अवैध बना दिया। अभी सबसे ज्यादा दिक्कत क्या है आपको? हैं, हमारी क्या कोई क्या, ये पूरी देख लो, कोई हमारे पास कुछ कोई व्यवस्था नहीं है, आप कुछ भी व्यवस्था नहीं है, सब दूर है। ये देख लो आप उधर, तो उधर का माहौल क्या है, कुछ भी तो होता नहीं है आपके एरिया में। आपको क्या लगता है क्या होना चाहिए? सब सुधार होना चाहिए, सब चीजें जो सबको सहूलियत मिल रही वो हमको भी होना चाहिए। अभी सबसे ज्यादा आपके हिसाब से क्या दिक्कत है, कि आपको क्या लगता है कि ये चीज नहीं है हमारे एरिया में? हाँ, हमारे यहाँ बोरिंग नहीं है, ये देखो बोरिंग कर दी तो है ना, ये रोड चौड़ी होना चाहिए, इसकी व्यवस्था होना, ब्लॉक लगना चाहिए, करेक्शन देना चाहिए, हम लोगों को गरीब लोग हैं तो। ये अभी करनी दिया बोरिंग का करेक्शन, लाइन डाल, लोगों को बताया गया है कि विधायक निधि से बोलते ये पैसा स्वीकृत किया गया है, विधायक निधि से यदि पैसा स्वीकृत किया गया है तो फिर ये आपने यदि लाइन डाल दी गई है तो उसके कनेक्शन क्यों नहीं दिए गए? इधर भी नहीं और उधर भी नहीं, विधायक निधि से यदि ये नल का कनेक्शन डाले गए हैं तो इसका कनेक्शन देना चाहिए। आप बोल रहे विधायक निधि से, वो बोलते उसके बाद में बोल रहे कि 450 रुपये दो, वो आपसे पैसा ले रहे हैं उसके बाद आपको कनेक्शन? हाँ, पैसा लेने के बाद में हमसे कनेक्शन देंगे। पीएम साहब और सीएम बोल रहे हैं, बोलते आपको बोलते सब्सिडी का, बोलते हम पैसा बोलते बिजली का माफ कर रहे हैं, इनको 1600 रुपये का बिल आ रहा है। इस मोहल्ले में अधिकतर मैडम जी अधिकतर लोग अशिक्षित हैं, गरीब परिवार है, लोअर कंडीशन के आदमी हैं, जिनको बोलना नहीं आता, बोलने में शर्माते हैं। सीएम साहब बोल रहे हैं, बोलते हम आपको 199 रुपये की बिजली दे रहे हैं, इनका 1600 रुपये बिल क्यों आया? इनके एरिया में सबसे ज्यादा दिक्कत पानी की है, कचरे की गाड़ी का जो बिल आ रहा है वो 1600 रुपये आ रहा है, लोगों में बहुत ज्यादा गुस्सा है और वो लोग चाहते हैं कि उनके एरिया का विकास हो। वो इतने 50 सालों से यहाँ पर रह रहे हैं और अब तक उसमें कोई विकसित नहीं हुआ है, वो एरिया क्यों? अभी 19 चालू नहीं हुआ, 19 तक का बिल आ गया वो, हाँ 18 का और 19 का। और हम है ना 1964 से आए हैं, 1964 से, और हमारी ये ऐसी दयनीय स्थिति है कि देखने योग्य है। यानी ये नगर देखो, इसका विकास हो गया, ये हमारे पीछे आ हुई है, ये सब पीछे हुए, इनका विकास हुआ और हमारे नगर का विकास नहीं हुआ। लोगों का गुस्सा जायज भी है, इतने सालों से वो लोग रह रहे हैं पर उनके एरिया का कोई विकास नहीं हुआ है, तो वो चाहते हैं कि उनके एरिया का विकास हो और उनके पार्षद और विधायक इस चीज़ का ध्यान रखें।